विधानसभा चुनाव नजदीक है, कभी भी तारीखों का ऐलान हो सकता है। और अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की हम बात कर ले तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार मिशन झारखंड में जुटे हुए हैं और इस बार विधानसभा चुनाव में हेमंत का निशाना कहीं ना कहीं महिला मतदाताओं में भी जरूर है, क्योंकि महिला सम्मान योजना के बाद हेमंत ने अब जलसहिया बहनों को भी सौगात दिया है, दीदियों को सौगात दिया है, आंगनबाड़ी सेविकाओं को सौगात दिया है। तो साफ तौर पर कहा जाए इस बार हेमंत सोरेन का जो कह सकते हैं कि वोट बैंक है वो महिलाओं के प्रति ज्यादा झुकाव होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव से पहले झारखंड में सियासी हलचल तेज है, सभी राजनीतिक दल जनता को अपनी तरफ खींचने की मुहिम में जुटे हैं। बीजेपी अपनी पूरी ताकत से हेमंत पर वार कर रही है, लेकिन हेमंत मिशन नारी शक्ति के सहारे विधानसभा चुनाव में अपनी वैतरणी पार कराने की कोशिश में लगे हैं। हेमंत सोरेन सरकारी योजनाओं के जरिए लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं, तो उनके विधायक पत्नी कल्पना सोरेन मैया सम्मान यात्रा पर झारखंड के हर क्षेत्र में पहुंच रही है। हेमंत और कल्पना भाजपा पर हमलावर है, जानते हैं। आज मैंने नारी की कुछ पंक्तियों को बोल करके आप लोगों का अभिवादन किया। ये नारी ही है जो आज हमारी घर के अंदर से लेकर के घर के समाज के बड़े बड़े पदों को अगर सुशोभित कर रही है, तो हमारी नारी हमारी माताएं हमारी बहनें हैं। और आप लोग दूर दूर दराज से आए हैं और यहां पर मैं आपने जो प्रमाण दिया है भारी संख्या में आकर के, आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना। विधानसभा चुनाव से पहले महिला और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी कुंदन हमारे साथ फोन लाइन पे बने हुए उनका रुख करेंगे। कुंदन, देखिए विधानसभा चुनाव नजदीक है और सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में लगी हुई है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हेमंत सोरेन की हम बात कर ले, क्योंकि उन पर लगातार कई गंभीर आरोप लग रहे हैं। अगर विपक्ष की बात करें तो बीजेपी बांग्लादेश से घुसपैठ के मुद्दे को लेकर लगातार हेमंत सरकार पर आक्रामक रूप में नजर आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हेमंत सोरेन के योजनाओं पर ध्यान दें और ये हेमंत सोरेन जिस तरीके से सक्रिय नजर आ रहे हैं, तो वो है नारी शक्ति। वो लगातार नारी शक्ति को लेकर मैया सम्मान योजना की बात कर ले और आज की ही बात कर ले हम तो जल सहिया दीदियों को स्मार्टफोन का तोहफा दिया गया, यहां तक कि कल्पना सोरेन भी सक्रिय नजर आ रही है, मैया सम्मान यात्रा निकाला जा रहा है उनकी ओर से, वो नेतृत्व कर रही है। तो क्या ऐसे में ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि हेमंत सोरेन का जो इस बार वोट बैंक होने वाला है वो महिला मतदाताओं पर ज्यादा जोर होने वाला है? जी हाँ बिल्कुल अंकिता, जिस तरीके से आगामी विधानसभा चुनाव जो बस कुछ ही दिन बचे हैं बिगुल बजने में, और उसके पहले जो है एहतियात क्या है और तैयारियों का अगर हम बात करें तो हर दल जो है अपने स्तर से कोई कसर नहीं छोड़ रहा है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जेएमएम हो, आरजेडी हो, या जो भी तमाम वैसे दल है राजनीतिक दल जो अपने अपने स्तर से तैयारियों में जो है जुट गई है। इसी उद्देश्य में है कि जो उसकी ओर जो है मतलब हर दल अपनी विचारधारा के अनुरूप जो है जनता को आकर्षित करने की फिराक में है। लोक लुभावन जो वायदे हैं और लोक लुभावन कह सकते हैं कि जो पूर्व में किए गए वायदे हैं उसे पूर्ण किया जा रहा है, तो यह माना जा रहा है कि जो आधी आबादी पे राज करेगा, मतलब आप समझ सकते हैं कि जो आधी आबादी जो महिलाओं की जो है उस पर जो अपनी पहचान बनाएगा, उनके बीच में जाकर जो अपना पहचान छोड़ाएगा, वही जो है राज्य में सत्ता में आएगा और उसी क्रम में जो है
हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी जो है इस मिशन में जुड़ गई है कि किस तरीके से जो है राज्य की जो महिलाएं हैं वो हमारे पक्ष में आए, इसी लिहाज से जो है एक के बाद एक जो है लाभान्वित करने वाली जो योजनाएं हैं वो धरातल पर उतारी जा रही है, चाहे वो महिलाओं से जुड़े हुए हो या फिर कह सकते हैं कि तमाम ऐसी लाभकारी योजनाएं हैं जो जनता के बीच में ले जाई जा रही है और उसका लाभ जो है सीधे तौर पर जनता को दिया जा रहा है। एक के बाद एक आप देख सकते हैं कि उद्घाटन किया जा रहा है, एक के बाद एक जो है शिलान्यास किया जा रहा है, पैसों की जो बंटवारा है वो जनता के स्तर पर किए जा रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि आधी आबादी हो या फिर तमाम ऐसी जो चीजें हैं जो पूर्व में वायदे करके हेमंत सोरेन सत्ता में आसीन हुए थे उसको पूरा करने की जो है पहल में जुट गए हैं और कहीं ना कहीं उस एक नफरत जो आज उनको 12,000 बतौर मोबाइल फोन के लिए जो है पैसे उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर किए हैं। जी कुंदन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए साफ तौर पर अगर कहा जाए तो हेमंत सोरेन पूरी तरीके से मिशन विधानसभा में जुटे हुए हैं। एक तरफ मैया सम्मान योजना हेमंत सोरेन की ओर से चलाया जा रहा, हर महिलाओं को 1,000 रुपये राशि पहुंचाई जा रही है, तो दूसरी तरफ मैया सम्मान यात्रा भी चल रहा है जिसमें कल्पना सोरेन लगातार हेमंत की तारीफ करती हुई नजर आती हैं, विपक्ष को घेरती हुई नजर आती हैं। और अब एक और जो योजना की बात कह सकते हैं, जल सहिया बहनों को एक बड़ी सौगात दी गई, स्मार्टफोन का तोहफा दिया गया, यहाँ तक कि 2,000 मानदेय भी उनके प्रतिमा उनके अकाउंट में जाएगा। तो कहा जा सकता है कि इस बार पूरी तरीके से नारी शक्ति पर हेमंत सरकार का फोकस है।